अब सत्वादधि महान आत्मा इस बुद्धि के परे है महतत्व माने समष्टि बुद्धि। एक न एक दिन समष्टि बुद्धि के सामने व्यष्टि बुद्धि को झुकना पड़ता है। जैसे सपने में चाहे कुछ भी दिखाई पड़े पर सपना देखने वाले की जो बुद्धि है वो सबके ऊपर अंततोगत्वा हो जाएगी। उसके बाद बोले कि उससे भी महत तत्व से भी ऊपर हिरण्यगर्भ से भी ऊपर अव्यक्त है। अव्यक्त माने जिस जगह कोई भी चीज जाहिर नहीं है, न काल में भूत भविष्य वर्तमान के भेद पैदा हुए हैं, न देश में बहिर्देश अंतराल देश अंतरदेश पैदा हुए हैं, न वस्तु में कारण अवस्था और कार्य अवस्था का विवेक हुआ है। ऐसी अवस्था में जो अव्यक्त है व्यज्यमान सृष्टि से विलक्षण जो अवस्था है, उस अवस्था में वो अवस्था समष्टि बुद्धि और व्यष्टि बुद्धि दोनों से विलक्षण है। माने समाज की बुद्धि पर, संप्रदाय की बुद्धि पर, जाति की बुद्धि पर, राष्ट्र की बुद्धि पर, मानवता की बुद्धि पर हम काबू पा सकते हैं यदि महत तत्व हिरण्यगर्भ की बुद्धि के साथ हमारा संबंध हो। हिरण्यगर्भ के साथ यदि तादात्म्य कर लें तो हमारे संकल्प से समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम है ना, संपूर्ण मानव मात्र की बुद्धि, दानव मात्र की बुद्धि, देवता मात्र की बुद्धि हिरण्यगर्भ की बुद्धि के अधीन होती है। पशु पक्षी प्राणी मात्र की बुद्धि ऐसा हिरण्यगर्भ, उसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों है। वो चाहे तो दुनिया को ठप कर दे और चाहे तो दुनिया की बुद्धि बदल दे, ऐसा होता है हिरण्यगर्भ, जिसकी बुद्धि में व्यक्त काल व्यक्त देश व्यक्त वस्तु रहती है। और हिरण्यगर्भ से भी उत्तम वह है जिसमें हिरण्यगर्भ सोता है, उसको बोलते हैं अव्यक्त। अब जरा पुरुष की बात सुनो।